हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों, अभी समय है मॉर्निंग का और अभी टाइम हुआ है 8:06। और सबसे पहले सभी लोगों को हमारी तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जो लोग हमारा फुल एड्रेस जानना चाहते हैं, हमारे वहाँ आना चाहते हैं, तो आज हम आप लोगों को अपना फुल एड्रेस बताएंगे। दोस्तों, मैं एक शायरी कहना चाहूँगा और उसी शायरी में मेरा आप लोगों को फुल एड्रेस भी पता चल जाएगा। आप लोग आना चाहें, आप लोगों का मस्ट वेलकम है। हम पोस्ट गोलोक कोडर रेवसा सीतापुर उत्तर प्रदेश में यहाँ का निवासी हूँ। आइए आप लोग, बड़े प्यार से मैं आप लोगों के दर्शन का अभिलाषी हूँ। दोस्तों, आप लोग हमारे वहाँ आना चाहते हैं तो आप लोगों का मस्ट वेलकम है। दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ घाघरा नदी के किनारे, क्योंकि आज हम बनवाने वाले हैं भरुआ करेला। और वहाँ पर दोस्तों 2017 में हमारा जो पुराना मकान था, यानी कि हमारा पक्का घर, तो वहीं पर वो नदी में बहुत भीषण कटान हुई थी, तो हमारा घर सब कट गया था और हमारा खेत भी उसी में कट गया था। तो आज हम वहीं पर लेने जा रहे हैं करेला। दोस्तों, अभी हम और हमारे पापा आप लोगों को मिलेंगे अपने मेल लोकेशन पे। दोस्तों, अभी हम अपने पापा के ट्राइपॉड से फोन निकाल कर हम अपने हाथ में ले लिए हैं। तो अभी हम पापा को देखते हैं, तैयार हो गए हैं जाने के लिए या नहीं। तो दोस्तों, अभी हम अपने मम्मी से कह देते हैं मसाला पीस ले, और मम्मी से हम अपने देहाती भाषा में बोलेंगे तब वो समझ पाते हैं, तो अभी कहते हैं चलिए फिर चलते हैं और मम्मी से कहते हैं। और यहाँ पर घर पर हम आ चुके हैं। ये मम्मी तले मसाला पीस के यहाँ रख लियो और हम अब बैठते हैं, ठीक है? तो चलो अभी पापा से कहते हैं चले। और यहाँ पर है हमारे पापा। पापा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। पापा, तो आप चलिए लेट क्यों कर रहे हैं? कहाँ चले? नदी के किनारे घाघरा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने मेन लोकेशन पे। देखिए सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो जहाँ पर हम आए तो वो हमारे रिश्ते में हमारे बड़े भैया लगते हैं, हमारे वहाँ ज़्यादातर दद्दू कहते हैं। तो अभी हम उनके ही साथ में जाएंगे करेला तोड़ने। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर ये सब तोड़ रहे हैं करेला। और अभी ये सब तोड़ेंगे तो हम लेकर जाएंगे, उसके बाद में भगवान का करेला बनाएंगे। इधर ढूंढ रहे हैं ये सब, देखिए। और उधर सब मजदूर लगे हुए हैं, देखिए। तो जब तक ये लोग करेला तोड़ रहे हैं, तो अभी हम आप लोगों को अपना खेत दिखा देंगे और जहाँ पर हमारा पहले घर था वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को हम अभी दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने खेत पर। ये देखिए, यहाँ इधर है हमारे खेत, तो इसी के जस्ट वहाँ पर है नदी। तो अभी हम खेत में जाकर दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों, इतनी तेज धूप खुली है कि हमारे सिर में तो दर्द होने लगी है। और अभी जल्दी करेला ले लेते हैं, उसके बाद में घर चलते, नहीं तो हमारा सिर बहुत ही मालूम देने लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमको चक्कर आने लगता है जब हमारा सिर दर्द करता है। ये देखिए दोस्तों, 2017 में गंगा मैया ने हमारा खेत काट लिया था और यहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है। और इधर तो लगी हुई है सब्जियाँ, और हमारे खेत में तो नहीं लगेगी क्योंकि अब इसमें बालू ही बालू है, तो इसमें नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये करेला लगे हुए हैं और देखिए कितना मस्त नज़ारा है। और देखिए ये कदुआ के पेड़, कितनी दूर दूर तक सब्जी लगी हुई है, ये देखिए यहाँ। तो दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं कि सब्जी और ये सब ले चुके हैं। लेने तो आए थे करेला और साथ में कद्दू भी ले लिए और ये लौकी भी ले लिए। तो अभी हम आप लोगों को मिलेंगे अपने घर पर। इतनी सब्जी के हम आ रहे दद्दू, पैसे भी नहीं लिए हैं, इतने सब्जी हम बहुत दिन में खा पाएंगे। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं। ये देखिए हमारी मम्मी यहाँ पर खोल रहे हैं। मम्मी कह रही थी कि
बाजार में बेचना है जो इतनी सारी सब्जी ले आए। यह देखिए ये लौकी और ये कुमड़ा कितने सारे दे दिए। ये देखिए हम रास्ते में ला भी नहीं पाते थे दोस्तों। और कुछ और करेला देखिए आप लोग, इतना मोटा मोटा करेला है वहाँ पर दोस्तों। ये तो इतने इतने मोटे, लेकिन बहुत ज्यादा मोटे थे लेकिन लिए नहीं वो वाले, क्योंकि उसमें इस साइज के। तो दोस्तों ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत हो रहा है। जैसा कि इसने कहा था, प्रेम में भगवान होते हैं। जब से आप लोगों ने सपोर्ट किया है, लोगों ने इसको ज्यादा सम्मान देना चालू कर दिया है गांव और बस्ती में। पहले के लोगों ने, और पहले तो बिलीव नहीं कर रहे थे, इसको कह रहे थे इससे क्या होता है, तभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया हमने इसको, और कहा कि आप बनाइए बनाते रहिए वीडियो। तो इतने सारे कद्दू, एक नहीं है बहुत सारा है, एक दो तीन चार पाँच छह कद्दू है। अरे नहीं लौकी, इतना सारा हम लोग खा पाएंगे, बाजार नहीं लगाना। तो हम नानी के वहाँ भी दे देंगे, क्योंकि ये सब्जी खराब हो सकती है। हाँ खराब तो हो ही सकती है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको दिल से धन्यवाद। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें, और हम मिलेंगे इससे भी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, अपना ख्याल रखें।